माँ भारती का प्रणाम, आप सबके गुरु माता पिता का प्रणाम, सारे बच्चों को बहुत लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ विषय, वो ये है कि आप अपने अंगूठे से अपने कमर का हाल जान सकते हैं और अपने अंगूठे से अपनी कमर को थोड़ा बहुत ठीक भी कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को आज सुनिए, समझिए और ख़ास तौर से बहन बेटियाँ ज़रूर समझ लें, क्योंकि उनको कमर से संबंधित परेशानियाँ बहुत होती हैं, कई बार तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ज़रा गौर से अपना अंगूठा देखते चले जाइए, आपको आपकी कमर का हाल मिलता चला जाएगा। यह है आपके रीढ़ की हड्डी, यहाँ से शुरू होकर और ये पूरा रीढ़ की हड्डी है, और अगर यहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी के उसी स्थान पर वो प्रॉब्लम होगी। ये हो गई आपकी गर्दन, ठीक है ना, ये हो गई आपकी गर्दन और ये हो गई आपकी टेलबो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है सी पॉइंट, ये है टी पॉइंट, ये हिस्सा सर्वाइकल वाला हिस्सा हो गया। यह आपको बता देगा कि कभी आपको सर्वाइकल होगा कि नहीं होगा, और यदि आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने बैठने के ढंग में परिवर्तन कर दीजिएगा, अन्यथा ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको न ढंग से सोचने देती है, न ढंग से सोने देती है, न ढंग से पढ़ने देती है, ना कॉन्सेंट्रेट होने देती है, चक्कर भी आते हैं, वॉमिटिंग भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक बना रहने लगता है। तो इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए आप इस अंगूठे के हिस्से को बहुत गौर से देखिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, बहुत सारे लोग शॉपिंग जब करते हैं तो कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। ओहो, शॉपिंग ना करें, ये कैसे हो, तो शॉपिंग तो करनी है लेकिन कमर में दर्द ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ यह है कि हमें इस हिस्से की जानकारी से ये भी पता चल जाता है कि हमें आगे जाके कहीं कमर की तो कोई प्रॉब्लम, जैसे स्लिप डिस्क आदि की प्रॉब्लम या शायटिका वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बहुत गौर से इन चीज़ों को देखिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, यदि आपका मंगल खराब है तो ये मान के चलिए कि आपकी बोन्स में प्रॉब्लम होगी, कैल्शियम की कमी होगी, या मसल्स जो हैं आपकी बोन्स से चिपकी हुई नहीं रहेंगी, वो लूज रहेंगी। और यदि सूर्य आपका कमजोर है तो ये तय मान के चलिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बोन्स की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, चाहे वो बोन डेंसिटी से संबंधित प्रॉब्लम हो या बोन की स्ट्रेंथ से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो तो होगी ही होगी। और बॉडी को कैल्शियम भी नहीं जाएगा, चाहे आप कितने ही लीटर दूध पी लें, बिकॉज विटामिन डी इज वेरी वाइटल फॉर द डाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो इसीलिए अगर सूर्य आपका कमज़ोर है तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए आपका ये अंगूठा, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये एक एंगल सा बन के आ रहा है, ये नहीं बनेगा, आपका अंगूठा एकदम फ्लैट होगा, यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा, एकदम फ्लैट होगा, फ्लैट भी होगा और थोड़ा यहाँ पर ये इधर भी और इधर भी ये थोड़ा सा मोटा सा होगा, मोटा सा होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये छोटा भी होगा। अगर ये हिस्सा, जैसे बेस्ट सिचुएशन क्या होती है, ये मान लीजिए ये अंगूठा है तो ये लगभग बीच से डिवाइडेड हो, ये अगर आपका सूर्य बहुत ख़राब है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी है तो ये ऊपर का हिस्सा आपका बहुत छोटा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा रहेगा। यद्यपि इसका संबंध विल पावर से भी होता है, लेकिन आज हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं वो सूर्य से संबंधित बात कर रहे हैं, और इसमें ये तय मान के चलिए कि आपको ये परेशानी अवश्य होगी और कभी ना कभी जीवन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अभी से ही आप क्या कीजिए कि जैतून के तेल की मालिश करवा लिया कीजिए, और बहुत ज़्यादा वज़न झटके से नहीं उठाना है। हमेशा याद रखिए, जब आप वज़न उठाएं तो उसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, या आप अगर कहीं झुक रहे हैं तो भी उसमें बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है झटके से चीज़ उठाते वक्त या वज़न उठाते वक्त या काफ़ी देर तक झुक के काम करते वक्त प्रॉब्लम हुई है स्लिप डिस्क की। और डिस्क एक बार जब स्लिप हो जाती है तो वो
काफ़ी समय बाद, काफ़ी इलाज के बाद ठीक होती है, ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी देसी विज्ञान, वाह एक से एक गजब के लोग हैं, सब ठीक कर देते हैं। लेकिन हाँ, परेशानी तो हो ही जाती है ना, हफ्ते 10 दिन तो एक्यूट पेन होता है, कम से कम हफ्ते 10 दिन। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। एक और चीज़, जिन लोगों का अंगूठा हाथ के हिसाब से छोटा है, यानी हाथ बड़ा है, अंगूठा छोटा है, और कैसे पता चलेगा? ये जो हमारी उंगली है, है ना, ये फर्स्ट फिंगर जो है, हमारा अंगूठा जब बंद हो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है ना, जब बंद हो तो यहाँ तक आना चाहिए इस तरीके से, या इससे ऊपर रहना चाहिए। अगर ये इससे नीचे रहता है तो अंगूठा छोटा है, और जिसका भी अंगूठा छोटा है उसकी कमर बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर होती है। और ऐसे लोगों को अपना कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर चेक कराना चाहिए, और समय रहते चिकित्सक सलाह से अपनी दवाई आदि ले लेनी चाहिए, और उनको क्या खान पीन करना है इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप गाय का दूध ऐसे में लेना शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी आप एक बार डॉक्टर साहब से चेक ज़रूर करा लें कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल। अगर ये अंगूठा छोटा है तो वहाँ वो प्रॉब्लम आएगी, तो जब आप खड़े होंगे तो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पर ना अनईजी लगने लगेगा, फिर आप जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करेंगे। जब आप बाज़ार जाएंगे, सामान खरीदेंगे और बाज़ार में धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तो भी आपका मन करेगा ऐसे झुक के मैं कमर ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, उसमें दर्द बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा देर तक लेटे रहेंगे या खड़े रहेंगे तो भी उसमें दर्द बहुत जल्दी होने लगेगा। खैर, यदि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप विटामिन डी और कैल्शियम तो चेक करा ही लीजिएगा, लेकिन ऐसे लोगों को जिनका अंगूठा उनके हाथ के मुकाबले काफ़ी छोटा हो जाता है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, यहाँ से छोटा रहता है, तो इन्हें अलसी और कलौंजी का सेवन अवश्य करना चाहिए। अलसी और कलौंजी का सेवन अवश्य करना चाहिए, और साथ ही साथ सोते समय ज़रा सा पनीर अवश्य ले लेना चाहिए। इससे इनके शरीर में बहुत ताकत आनी शुरू होती है और इनकी कमर की स्थिति दुरुस्त रहती है, शरीर को विटामिन डी मिलता है, तो डिस्क स्लिप आदि के खतरे टलने शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि आपको दिख रहा है कि आपका अंगूठा छोटा है, आपको दिख रहा है कि आपका ये हिस्सा यह एंगुलर नहीं, एकदम सीधा फ्लैट है, एकदम सीधा ऐसे करके फ्लैट है, और यहाँ पर अंगूठे के इस हिस्से में कोई गड्ढा बनता है, इस हिस्से में कोई गड्ढा सा बनता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? रात में, और उसमें भी अगर कमर दर्द होता हो तो विशेष रूप से, बड़ा अद्भुत उपाय बता रहा हूँ, रात में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के खूब अच्छे से मालिश कीजिए इतने हिस्से की, ठीक है ना, ये जो बाहर का हिस्सा है ये, इसकी खूब अच्छी मालिश कीजिए, और विद्यार्थियों को ये मालिश करने से दिमाग में भी बेहतरी होगी जी। तो यहाँ पर खूब अच्छे से ऐसे ऐसे करके आप मालिश करते रहिए, खूब मालिश करते रहिए, और इस पर ढेर सारे मेथी दाने चिपका के डॉक्टर टेप से उसको बांध कर और सो जाया कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि उधर दिमाग भी बेहतर होगा और आपके कमर का दर्द भी धीरे 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 चला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चिकित्सक सलाह जरूर ले लीजिएगा, खासतौर से विटामिन डी टेस्ट करा लीजिएगा। एक व्यथा लेते हैं विकास गोयल जी की। विकास गोयल जी ने ये प्रश्न हमसे किया है, ये चाट कॉर्नर लगाना चाहते हैं लेकिन इनके काम में बाधाएं बहुत आती हैं, झगड़े झंझट बहुत होते हैं घर वालों से भी और बाहर से भी, क्या करना चाहिए? विकास जी देखिए, एक तो सूर्य आपका बहुत ख़राब है, आप यदि रोज़ाना सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को जल दें, ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करें, और रविवार के दिन गायत्री से यज्ञ करना शुरू करें, तो ये सारी समस्याएँ धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात, आप घर में पहली रोटी गाय माता की निकाल के उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगा के और गाय माता को ज़रूर खिला दिया कीजिएगा। तीसरी चीज़ है, हर अमावस्या को पका हुआ भोजन, और आप अपने आप पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वह कुछ रोगी की सेवा ज़रूर लेके जाएंगे, स्वयं देना है। और जो पित्र विसर्जनी अमावस्या आया करती है, इस पर आप एक विशेष यज्ञ करेंगे जो मैं बताऊँगा ही, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम और झगड़े झंझट खत्म होंगे, काम आपका चलना शुरू होगा। वैसे अच्छा समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है आपका पिछले 3-4 दिन से, आगे आने वाले 3 वर्ष अच्छे हैं, मेहनत कीजिए सफलता मिलेगी। आइए फटाफट जान लेते हैं बेश से
कन्या राशि के लोगों को क्या करना है आज। मेष राशि वाले लोग बहुत ध्यान से किसी को धन दे, ना दे तो अच्छा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से भी बचेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको एक उपाय करना पड़ेगा और इस दिन जो उपाय है हंग हनुमते नमः का जप है, ये जरूर कर लीजिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है लेकिन दोपहर बाद थोड़ी किसी से तनातनी जरूर हो सकती है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। उपाय क्या करेंगे, 5 फलों का दान कीजिए, मस्त होकर काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, इस दिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, गर्म भोजन खाने से बचिएगा, पेट की विशेष केयर करनी है। उपाय क्या करना है, आज आपको सब्जी का दान जरूर करना है, कच्ची सब्जी का। कर्क राशि, हिम्मत मत हारिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बाधाएं बहुत होंगी, किसी का व्यवहार आपको परेशान भी कर सकता है, भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं भी बनेंगी, लेकिन ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, यह दिन गुस्सा अगर आ गया तो गड़बड़ी कर देगा, इसीलिए आपको क्रोध नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, लोगों से बहुत विनम्रता और प्यार से बोलना है, किसी पर शक नहीं करना और किसी की निंदा नहीं करनी है। उपाय क्या करेंगे, गेहूं का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, वक्त तो आपके लिए काफी अच्छा है, चिंता की तो कोई बात है ही नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लीजिएगा। किस बात का, अपनी कीमती चीजें बहुत हिफाजत से रखिएगा, नहीं तो कुछ गायब ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे, गंगापताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। आइए स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं कमर की। देखिए ध्यान से, अगर आपके अंगूठे के बीच वाले हिस्से में बहुत सारी कटी फटी रेखाएं हैं और यहाँ की हड्डी यदि टेढ़ी मेढ़ी है तो ये इस बात की निशानी है कि कमर के बीच वाले हिस्से में आपको परेशानी होगी, 36 से 42 के बीच में। दूसरी चीज, अगर ये यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा छोटा है और यहाँ पर कुछ ऐसी इस प्रकार की रेखाएँ हैं और यह हिस्सा पिलपिला बहुत है, ये अंगूठे के ऊपर की बात कर रहा हूँ, यह हिस्सा पिलपिला बहुत है, यहाँ कुछ खड़ी पड़ी ऐसे करके रेखाएं हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि यदि आपने अपने सिटिंग पोस्चर का ध्यान नहीं रखा तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे लोगों को ना ज़्यादा देर सर झुका के रहना चाहिए, न ऐसे करके रहना चाहिए, हाँ इनको एक गर्दन का अभ्यास इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए, वो भी बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे, दिन में 3-4 बार कर ले। और पढ़ने का स्थान जो है वो डेस्क इस प्रकार के रख ले कि वो लगभग आँख सीधी हो, यूँ बहुत देर तक झुकना ना पड़े। और कंप्यूटर्स पे भी यदि आप काम कर रहे हैं तो स्ट्रेट बैठ के कार्य कीजिएगा और पैरों के नीचे ज़रूर कुछ रख लीजिएगा, अन्यथा कमर, ये गर्दन में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो ही जाती है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अंगूठे के एकदम निचले हिस्से में जहाँ अंगूठा हथेली से जुड़ता है, यहाँ कोई हड्डी उभरी हुई सी है या कोई उभार आ रहा है या ये हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ है, इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ है और आपका वजन भी ज़्यादा है, तो ये मान के चलिए कि आपको लगभग 40 से 48 के बीच में डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम होगी और कमर के निचले हिस्से में काफ़ी परेशानी होगी, जिससे आपका झुकना चलना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो मेथी वाला मैंने उपाय बताया वह ये यहाँ पे भी लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके मेथी का पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो फिर ठीक होना मुश्किल होगा, और जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तब तक वज़न बढ़ता रहेगा, जब तक वज़न बढ़ता रहेगा तब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, तो आप एक विशेष सर्कल में फंस जाएंगे, दुष्चक्र में फंस जाएंगे और वो बहुत दिक्कतों वाला समय होगा। ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। बस एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका जो अंगूठा है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, अगर जो आपका अंगूठा है ये बहुत यहां से या यहां से मोटा मोटा है,
यहाँ से या यहाँ से, ये बहुत मोटा मोटा है, तो ऐसे लोगों को कमर में खिंचाव या दर्द की प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर से यदि आप फिजिकल वर्क करते हैं, आप डांसर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो अरंडी का पत्ता होता है ना, अरंडी के पत्ते को हल्का सा तवे पे गरम करके, सरसों का तेल लगा के, और कमर के उस हिस्से में रखना चाहिए जहाँ पर स्वेलिंग आ जाती हो या खेलते वक्त खिंचाव होता हो या दर्द होता हो, और आप देखिएगा कितनी तेज़ी से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हिस्सा हमें दिखता तो है नहीं, अंदर क्या चल रहा है इस बात की जानकारी के नीचे किसी सलाह भी ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन हाथ से आपको क्या केयर करनी है ये तो पता चल ही गया है ना। अब जल्दी से हम तुला से लेकर मीन राशि तक का दिन भर का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, किसी से झगड़ा हो सकता है, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस दिन कोई आपका धन ना मार ले, इस बात का भी ख्याल रखें। उपाय के तौर पर आप 8 वर्ष से छोटी बच्ची को भोजन अवश्य दीजिएगा। वृश्चिक राशि, किसी से वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं, और इस वाद विवाद में आप जीतेंगे नहीं, इसलिए वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, नहीं तो ये आपके लिए आगे जाके परेशानी का सबब बन जाएगा। उपाय क्या करना है? आज आप लाल कपड़े का दान कर दीजिएगा, कोई सा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कितने भी लोगों को हो सकता है। धनु राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, यद्यपि कार्य बाधाओं के बाद बनेंगे लेकिन बन जरूर जाएंगे, भाग्य पक्ष बुरा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, इसलिए जम के मेहनत करें, नोट्स बनाएं। उपाय क्या करना है? ओम नारायण नमो नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे। मकर राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, इसलिए इस दिन आप जो कार्य करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। इस दिन ना भी मिले, आगे जाकर जरूर मिलेगा। इस दिन बेहतरी की आशाएं बंधेंगी। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मस्तक पर धारण करें, फिर अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि, बस जल्दबाजी मत दिखाइएगा, बाकी दिन अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं, कार्य आपके सफल होंगे। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, आज अपने मित्र को कुछ खाने पीने की चीजें जरूर दीजिएगा, खास तौर से नमकीन चीजें। मीन राशि, वक्त आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने पेट का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आपको सर्दी गर्मी भी परेशान कर सकती है, नजला खांसी जुकाम आदि ये परेशान कर सकता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, किसी बुजुर्ग से कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का दान कर दीजिएगा, प्रभुदेव ठीक करेंगे। अब बात उनकी जिनका है आज जन्मदिन, चलिए आपको हम सब मिलकर देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब जम के मेहनत कीजिएगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस तो जरूर होगा किसी रिश्ते की वजह से, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं। एक आप बहुत विशेष चीज का ध्यान रखिएगा, इन 12 महीनों में यदि आपको सर्दी की या रक्त से कोई भी परेशानी रहती है, कफ से संबंधित कोई दिक्कत रहती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? एंग ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय रोजाना सुबह 11 बार करके फिर अपना काम शुरू कीजिएगा, आपका जरूर लाभ होगा, अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आप मौज से अपना कार्य करते रहिए, मेरे साथ रहते हो ना, वैसे भी डरा रहा मत करो आप, ठीक। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ABP News, आपको रखे आगे।